लोगों जो क्वेश्चन पढ़ा था कि अगर कोई व्यक्ति सम्मिलित हो जाता है टीम में या टीम से बाहर चला जाता है, इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा? और इसके और आगे पढ़ते हैं, अगर किसी व्यक्ति की जगह कोई व्यक्ति नया आ जाए, क्वेश्चन लिखेगा जैसे एक टीम में 7 खिलाड़ियों की जो औसत आयु थी, एक टीम के 7 खिलाड़ियों की औसत आयु, एक टीम के 7 खिलाड़ियों की औसत आयु 22 वर्ष थी, एक खिलाड़ी की चोटिल हो जाने की वजह से टीम में एक नए खिलाड़ी को सम्मिलित किया जाता है जिससे औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, जिससे औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। सम्मिलित कर लेने से औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। सम्मिलित किए गए नए खिलाड़ी का आयु क्या है? क्वेश्चन कोई बात तेजी से पढ़ते हैं। एक टीम के 7 खिलाड़ियों की औसत आयु 22 वर्ष है, एक खिलाड़ी के चोटिल हो जाने की वजह से उसकी जगह पर दूसरा खिलाड़ी रखा गया और दूसरे खिलाड़ी के रखने से औसत भार में 1 kg की वृद्धि हो गई, तो बताएं, 1 वर्ष की वृद्धि हो गई तो बताएं कि नए खिलाड़ी का उम्र क्या है या क्या था। तो देखिए बहुत आसान है, इसे लगाना, अब तो लगा भी लेंगे। सबसे पहला काम लोग क्या करेंगे, पहले टीम में कितने थे? 7। औसत भार कितना था? फिर कह रहा है कि एक खिलाड़ी को निकाल कर उसकी जगह क्या किया गया? दूसरा खिलाड़ी सम्मिलित किया गया, माने खिलाड़ी 7 ही हैं, खिलाड़ी 7, लेकिन औसत क्या हो गया? 1 वर्ष। टुकड़ा कर लेंगे, 7 × 14 = 16 आया। अब क्या करेंगे? अब 7 वर्ष नहीं है, अब इसमें क्या करेंगे कि पहले औसत आयु कितनी थी? 22 वर्ष। अब जो खिलाड़ी आने से उम्र बढ़ी थी घटी थी? बढ़ी थी, प्लस चिन्ह लगाए, कितना बढ़ी थी? 7। तो नए खिलाड़ी की उम्र होगा 29 वर्ष। सेम प्रोसेस लगाएंगे, अगर ये कहता है कि उसके खिलाड़ी आने से औसत आयु 1 वर्ष कम हो गई, क्या मानेंगे? सेम प्रोसेस है, ठीक, माइनस हो जाएगा, और अधिक हुआ माने प्लस हुआ, ठीक। अगला क्वेश्चन, एक उसकी आयु 29 वर्ष और खिलाड़ी जो नया है वो 29 साल, समझ में आपको? एक क्वेश्चन इसी बोल रही है, एक क्वेश्चन और लगाइएगा। एक दफ्तर के 12 कर्मचारियों की औसत मासिक आय 15,500 रुपये, 15,500 रुपये। एक कर्मचारी के तबादले के बाद उसके स्थान पर दूसरा कर्मचारी है। इससे औसत आय में 400 रुपए की कमी हो गई, इससे औसत आय में 400 रुपए की कमी हो गई, 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 तो बताएं कि नए आए हुए कर्मचारी का वेतन कितना है? तो नए आए हुए कर्मचारी का वेतन कितना है? इसको अखबार लगाइए, नहीं आता फिर हम इसे समझाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या था?
दफ्तर में कितने एम्प्लाई थे? 12 एम्प्लाई थे। इनका औसत वेतन कितना था? 15,500। फिर एक कर्मचारी बदल दिए, 12 ही हो गए, एक गए एक आ गया, कितना कम हो गया? 400। 15,000 फिर गुणा करेंगे, 0 0 12 25 60, 12 25 60, 12 1 12 6 18, ये कितना आएगा? 12 1 12, 12 25 60, फिर 12 1 12 6, घटाने कितना आएगा? 4800 आ गया। पहले वेतन कितना था? 15 औसत देते 15,000, ये कम हुआ ज्यादा? कम हुआ था, माइनस कितना आएगा? 10,000। ये एक जो नया आया उसका भी ठीक, जो नया एम्प्लॉय है उसका वेतन समझ लीजिए को बढ़िया से। चलिए क्वेश्चन लिखिए, ये समझ में आ गया? कम या ज्यादा कर लेंगे आप लोग। एक क्वेश्चन और छोटा सा लिखिएगा, एक कंपनी के 7 कर्मचारियों की, एक कंपनी के 7 कर्मचारियों की औसत आयु 38 वर्ष है। एक कर्मचारी को बदल कर तो क्वेश्चन उन्होंने लिखा कि दफ्तर के 7 कर्मचारियों की जो औसत आयु थी वह कितना था? 38 वर्ष ठीक। एक कर्मचारी को बदल देने से औसत उम्र 2 वर्ष कम हो गई, औसत उम्र 2 वर्ष कम हो गई, तो नए कर्मचारी का आयु क्या है? ऑनलाइन क्लास अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको मोस्ट वेलकम है, और ऑनलाइन क्लासेज के लिए आप 6306344367 पर ज्वाइन सीटेट रिपीटेड सुपर टेट जो भी चाहिए आप, ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप करें, कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, नोट्स भी उपलब्ध है हमारे यहाँ। चलिए हम आगे सॉल्व करते हैं। हमने क्या लिखा, एक कंपनी के 7 कर्मचारियों का जो औसत आयु है वो कितना था? 38 वर्ष का। ठीक है, एम्प्लॉय कितने थे 7, औसत आयु कितनी थी? 38। एम्प्लॉय को चेंज किया गया, संख्या उतनी है 7, गुणे कितनी कम हो गई? 2 36 कम हुई, ध्यान दीजिएगा, तो जाएगा 7 8 56, 7 3 21, 56 21 5 26, ये कितना हो जाएगा? 200 घटाएंगे कितना आएगा? 14। अब क्या करेंगे? अब कम हुआ था तो कुल औसत उम्र कितनी थी? 38। 14 प्लस होगा माइनस, क्यों? क्योंकि कम हुई तो माइनस 14। 24 साल का जो कर्मचारी आया वो कितने वर्ष का था? 24 वर्ष का था। इसमें कुछ नहीं करना है, दोनों बार समान पद से गुणा करना है। अगर उम्र घटी है, कम हुई है, औसत कम हुआ है तो कुल में से कम कर देंगे, बढ़ा तो बढ़ा देंगे, बस बात खत्म, इससे ज्यादा कुछ करना नहीं। तो ये कम वाला हो गया, अधिक वाला हो गया, ये आसान है, आप चाहे तो आसानी से कर सकते हैं और बहुत ही प्रैक्टिस कराई जाएगी। इसी के साथ ये अध्याय लगभग आज आपका खत्म हो गया है। प्रारंभ में 1-2 वीडियो म्यूट हो गया था, वो जो पेड ग्रुप है जो ऑनलाइन क्लासेस चलती है उन्हें आप उपलब्ध हो जाएगा, तो आज या कल रात में हम बनाए उसे अपलोड कर देंगे। और ये समझ लीजिए, आज इसी के साथ एक छोटा सा टाइप का क्वेश्चन बचा है, उसी समय पढ़ाते समय मैं इन सभी क्वेश्चन को मैं सम्मिलित कर दूंगा और एक मैराथन टाइप का क्लास में पढ़ा दूंगा औसत की।
जो ऑनलाइन क्लास लिए हैं, जो जिनको एक आध वीडियो में दिक्कत हो गई थी म्यूट हो जाने की वजह से, दो बार म्यूट हो गया वीडियो टेक्निकल की फॉल्ट वजह से, तो आप लोग परेशान ना होइएगा, मैं एक पूरी मैराथन वीडियो आपको बना के दे दूँगा और आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लोगों तक पहुँच जाए। और ऑनलाइन क्लास और नोट्स उपलब्ध है, आपका लगता है कि बेहतर क्लास है तो मोस्ट वेलकम।